वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू नाइन नेटवर्क। यहाँ पे ना मैं आज के सेशन में जनरली डिस्कस करने वाला हूँ कि जब भी हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, इस बेस्ड ऑन सीसीएनए लेवल, दैट मीन्स L1 L2 लेवल, नेट एज अ नेटवर्क इंजीनियर, सीसीएनपी लेवल, सीसीआई लेवल, नेटवर्क सिक्योरिटी, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स राइट। तो इंटरव्यू देने के ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग वो रूल्स को मिस आउट करते हैं, जिसके वजह से उनके इंटरव्यू में पासेस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, इफ यू आर अ टेक्निकली स्ट्रांग 50% और आपके पास जो इंटरव्यू के एटिकेट्स होते हैं वो 50%, अगर आपके पास इंटरव्यू के एटिकेट्स नहीं है, आपके टेक्निकल पॉइंट्स काफी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस 50% ही बनते हैं। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इफ यू वॉन्ट टू क्रैक द इंटरव्यू, जितना टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके इंटरव्यू एटिकेट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग सम पॉइंट्स, मैं कुछ इंटरव्यू एटिकेट्स के बारे में बात करूंगा। टेक्निकल पॉइंट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, हर टॉपिक के ऊपर मैं जनरली आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उसका किस तरीके से आंसर दे सकते हो। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन को मुझे डिटेल में, और ज्यादा डिटेल में, काउंटर क्वेश्चनिंग करके एक डिस्क्राइब करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसके अंदर कमेंट्स पढ़ के उसके ऊपर फिर से एक नया वीडियो बना के डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, आई एम कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन दिस टॉपिक विच इज कॉल्ड एज इंटरव्यू एटिकेट। सबसे पहले ना कुछ बेसिक चीजें होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी जो इंटरव्यू का पैटर्न है वो चेंज हो गया। अगर आप देखते हो तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पैटर्न, द फर्स्ट वन इज अ ऑफलाइन एंड द सेकंड वन इज अ ऑनलाइन राइट। ऑनलाइन मतलब क्या होता है कि आपके पास टीम्स मीटिंग है, जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, इसके थ्रू आपके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। ऑफलाइन मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू, जिसके लिए कंपनीज आपको उनके कैंपस एरिया में बुलाते हैं, ऑफिस में बुलाते हैं, वहां पे मैनेजर राउंड, एचआर राउंड, जो भी कुछ है सब फेस टू फेस होगा। ठीक है, सो देयर इज टू टाइप ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, इस इंटरव्यू के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या बेसिक चीजें होती है जो हमें हमेशा याद रखना है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मेक श्योर, अगर आप बियर्ड रखते हो, हेयर कट रखते हो, तो मेक श्योर कि थोड़ा प्रॉपर तरीके से अपने ग्रूमिंग टिप्स होते हैं। मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके की ग्रूमिंग करते हो, फॉरगेट अबाउट स्पेलिंग्स एंड ऑल, ओके, मेरा हैंडराइटिंग कुछ इतना अच्छा नहीं है, जो ग्रूमिंग होता है एक बेसिक ग्रूमिंग वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टी शर्ट पहन के चले गए, जीन्स पहन के चले गए, हम लोग उसमें कूल दिख रहे हैं, बट डजंट मैटर, वहां पे हम लोग कूल बनने नहीं जा रहे। ठीक है, हमें लगता है कि हम लोग वहां पे जीन्स और टी शर्ट, अच्छा सा हुडी पहन के जाएंगे, हम लोग कूल लगेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आप फुल लगोगे वहां पे, FOOL, फुल वाला फुल हो। ठीक है, तो हमें अगर अच्छा दिखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि बेसिक फॉर्मल थिंग्स, फॉर्मल क्लोथ, आप देख सकते हो एक फॉर्मल शर्ट और पैंट वियर करो, प्रॉपर तरीके का ड्रेसिंग अटायर करो, प्रॉपर तरीके का हेयर स्टाइल और बियर्ड यूज करो जो आपको सूट करे। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल वे, बिकॉज आप जिस कंपनी के लिए काम करोगे एज अ नेटवर्क इंजीनियर, कोई भी डिफरेंट डोमेन में, देखो यार फैशन डिजाइनर की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज द डिफरेंट ट्रैक, करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट द आईटी ट्रैक राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज समझो, शायद इसके ऊपर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे कि सर फैशन डिजाइनर लोगों तो फैशन दिखा रहा, करेक्ट बात है, आई एग्री विद दैट, बट दैट इज नॉट अवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, आईटी इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, और प्रोफेशनल रहेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही लगेगा। फॉर्मल क्लोथ, अभी कैसा होता है कि फॉर्मल क्लोथ के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल में जाओ, वहां पे चेक करो कि फॉर्मल क्लोथ के ऊपर, मतलब अगर मैंने ब्लैक कलर का पैंट पहना है उसके ऊपर कौन से कलर के शर्ट प्रीफर करना है, दैट इज अ बेसिक थिंग। ठीक है, हम लोगों को इजिली समझ में आ जाते हैं क्योंकि हम लोग अभी 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, सब चीजें पता है हमें। ठीक है, तो हमें एक चीज समझना है यहाँ पे कि अगर मैं डे टाइम में इंटरव्यू देता हूँ मोस्टली कभी भी, या नाइट टाइम में भी, तो मेक श्योर जब भी हमारा ऑफलाइन इंटरव्यू होता है तो हम लोग एक प्रॉपर फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट में जाएंगे। ठीक है, जो कि प्रॉपर तरीके से इन किया हो, उसके स्लीव्स प्रॉपर हो। ठीक है,
जी, जो आपके फेस के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर अच्छी तरीके से दिखे, इस तरीके से पहनो। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मल पहन रहे हो तो शर्ट का ईद नहीं कर रहे हो, ओपन करके चल रहे, दैट डजन लुक गुड। ठीक है, आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, बिकॉज दैट कंपनी नीड्स यू, राइट। अगर आप इस तरीके से जाते हो जहां पे आपका इंप्रेशन खराब होता है, तो वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आपको वहीं पे फेल कर देंगे। वो तो बोलेंगे, यार ये बंदा कैसे आ गया, ना प्रॉपर तरीके का ड्रेसिंग करके आया, ना कैसे भी आ गया, लाइक मतलब ये बंदा कुछ सीरियस नहीं दिख रहा है, तो वो वहीं पे उसको डिस्कार्ड कर देंगे। गॉट इट? तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती, बेसिक चीज होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो कैसे होता है कि अगर हम लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर कम्युनिकेशन इज प्लेइंग अ वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट रोल। अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बुक्स पढ़ सकते हो, न्यूज देख सकते हो, अच्छे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो, देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिसके थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो, विच इज प्लेइंग अ वेरी वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट रोल। तो मैं हमेशा इसको प्रेफर करता हूँ। कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलता कि यू आर टेक्निकली स्मार्ट, नो नीड कम्युनिकेशन, नो, ऐसा नहीं है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा, आप एक मंथ की क्लासेस करने के बाद नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, अपना डेली बेसिस पे बुक्स पढ़ोगे, न्यूज पढ़ोगे, तब जाके आपका कम्युनिकेशन और अच्छे तरीके से ग्रूम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप शूज भी प्रॉपर तरीके से पहन के जाओ, जिसके थ्रू आपके जो फॉर्मल ड्रेसिंग कोड है उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके का अटायर सूट हो। मतलब जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगना चाहिए कि दैट गाय इज वेरी सीरियस एंड ही केम हियर फॉर इंटरव्यू विथ ऑल द एटिकेट्स। तो मतलब वो निगेटिव पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि आपने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया, ठीक है। नाउ अबाउट द ऑनलाइन, ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में आज की डेट में जो हम लोग देखते हैं, वो होते हैं टीम्स पे, जूम मीटिंग पे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका इंटरनेट, ये स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपका कैमरा ये प्रॉपर तरीके का होना चाहिए, ठीक है। फॉरगेट अबाउट स्पेलिंग एंड माई हैंड राइटिंग, ठीक है। तो इंटरनेट स्टेबल क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं होगा, जिस विंडो के ऊपर इंटरव्यूअर अगर आपको वॉच कर रहा है, आपका मूवमेंट अचक अटक के चलेगा, जिसको लैगिंग बोलते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। आपका वॉइस बाद में आएगा, ठीक है, मतलब वो भी एक लैगिंग का ही पार्ट है। तो ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं जमेगा, जिसके वजह से आपको तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट मिल सकता है। क्योंकि अगर वो आपको ऑनलाइन वर्क दे रहे हैं, तो ये बोलेंगे कि अगर हम लोग इस पर्सन को वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, इसका मतलब ये बंदा घर से काम करेगा, लेकिन इसके पास इंटरनेट के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन है, स्टेबल नहीं है, तो क्या इसे करेंगे ये बंदा काम, तो आपका चांसेस यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटरनेट स्टेबल के बारे में बताया, सेकंड है कैमरा के बारे में। अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी किसी के लैपटॉप में कैमरा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो मार्केट में 200 से 500 रुपये तक अच्छे एक्सटर्नल कैमरेज आते हैं, आप वो बाय कर सकते हो अपने लैपटॉप पीसी जहां पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या होता है, दो तरीके के कैमरेज आते हैं, एक तो टेबल कैमरा आता है, जो कि कुछ इस तरीके से आप टेबल पे प्लेस कर सकते हो, एक तो कैमरेज आते हैं जो कि लैपटॉप के ऊपर प्लग कर सकते हैं, जस्ट लाइक यू नो क्लिप टाइप ऑफ कैमरा। तो आप क्या कर सकते हो, मैं जनरली इसको प्रिफर करता हूँ, बिकॉज ये कैमरा अगर आप लैपटॉप यहाँ पे रखते हो और ये साइड में है, तो आपका ध्यान इस साइड रहेगा, ना कि इस साइड, और इंटरव्यूअर को लगेगा कि यार ये साइड में क्यों देख रहा है। वॉट इज एक्चुअली, ऐसा नहीं होगा कि आप इस साइड में देखोगे, ठीक है, लेकिन इंटरव्यूअर का विंडो यहाँ पे रहेगा, तो आपका ध्यान इधर रहेगा, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को लगेगा यार ये मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहा है, मतलब जब मैं इसको क्वेश्चन पूछता हूँ ये स्क्रीन की तरफ देख रहा है, जो कि इस कैमरा से डायरेक्ट वो एक अलग वे में चला गया, ठीक है। तो ये भी सब चीजें ना अच्छी नहीं लगती, तो मैं हमेशा ये जो कैमरा होता है जो कि आप डायरेक्टली लैपटॉप के पॉइंट पे प्लग कर सकते, जैसे कि दिस इज माय लैपटॉप, करेक्ट, आप यहाँ पे प्लग कर दो,
तो मतलब क्या होगा, ये कैमरा है आप यहाँ पे ही देखोगे स्क्रीन पे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट ये सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाउ ओवर द ड्रेसिंग कोड, ठीक है, अभी क्या होता है जब भी आप ऑनलाइन इंटरव्यू देते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपकी अपर बॉडी होती है आप वही पे वही मोस्टली देखने को मिलती है। जैसे कि कोई पर्सन है कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना ही पोर्शन उसका देखने को मिलता है, राइट, शोल्डर, थोड़ा बहुत चेस्ट का पार्ट, फेस प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए, आपके रूम में प्रॉपर तरीके का लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं है, आपका फेस नहीं दिख रहा है, पूरा डार्क डार्क वहां पे डार्कनेस आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज, ऑनलाइन में ऐसा होता है जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो मेक श्योर आपके पास जो विंडो रहेगा ओपन इंटरव्यू का, तो ये कैमरा के नीचे में ही रखो। मतलब आप इस विंडो की तरफ देख के बात करोगे तो कैमरा जो पर्सन है इंटरव्यूअर उसको लगेगा कि यार ये मेरे तरफ देख के बात कर रहा है। वॉट इज, तो दिस आर द बेसिक पॉइंट, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेसिंग आपकी इंपॉर्टेंट है, अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मल शर्ट है आप फॉर्मल शर्ट वियर करके बैठ सकते हो, बॉटम का ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका अपर बॉडी का ही पार्ट वहां पे दिख रहा है, ठीक है। नो वन इंटरव्यू लास्ट, क्योंकि भाई आपने नीचे में फॉर्मल शूज पहना है कि कौन से फॉर्मल क्लोथ पहने, डजंट मैटर, नो वन विल आस्क यू, ठीक है। आज तक मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए कभी भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस तो आया नहीं है, तो डेफिनेटली आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ठीक है। अभी और एक चीज मैं बताता हूँ, ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन है और आपने आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब खाली खाली फेस ही दिख रहा है, ये आपका कैमरा है जहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब ना ऐसा लग रहा है कि किसी आप एकदम सिस्टम जो आपका लैपटॉप है उसके बिल्कुल पास में आ रहे हो कैमरा से, जिसकी वजह से आधे स्क्रीन में आपका फेस ही कैप्चर हो रहा है, तो इट डजन लुक गुड। थोड़ा सा मतलब इस तरीके से इस पोस्चर में बैठो ताकि प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूअर आपको देख पाए और समझ पाए, आपके एक्सप्रेशन भी समझ पाए, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आर द बेसिक एटिकेट, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ ये चीजें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वाला एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, विच इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये स्लाइड में नहीं बनाऊंगा, मैं अभी ऐसे छोटे छोटे स्लाइड बनाऊंगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के, जिसके अंदर आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स कवर होंगे। वंस आई कंप्लीटेड द बेसिक थिंग्स देन आई विल गो विद द टेक्निकल थिंग्स, ठीक है। तो आप सीरीज के थ्रू अगर देखते हो ना तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहिए और किसी पॉइंट के बारे में और ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो, बताओ कि सर आई जस्ट वॉन्ट मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दैट पॉइंट, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डेफिनेटली उसका भी रिप्लाई करूंगा। यप, थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।